Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव के कार्यक्रम शब्द संसार देश से में आपका सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और हमारे गेस्ट पोएट श्रीमती निरुपमा चतुर्वेदी और संतोष चौधरी जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी रचना की लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना, जिससे वे अपनी रचना धर्मिता को लोगों में, अपनी जो रचना कार्य है उनके अनुभवों को लोगों के बीच में शेयर करना, यह इसका उद्देश्य है। विशेष रूप से कोरोना काल में जबकि विषम काल चल रहा है, इसमें सकारात्मकता का संचार हो, यह हमारा उद्देश्य है। तो इसी सिलसिले में अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा संतोष चौधरी जी को। संतोष चौधरी जी जोधपुर से हमारे साथ लाइव हैं और वो राजस्थानी और हिंदी की बहुत अच्छी कवित्री हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना संक्षिप्त परिचय दें और एक रचना प्रस्तुत करें। संतोष चौधरी। नमस्कार, मैं संतोष चौधरी जोधपुर शहर से आज इस कार्यक्रम में आकर बहुत खुशी हो रही है। मैं हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में लिखती हूँ। हिंदी का एक काव्य संग्रह मेरा आ चुका है, राजस्थानी में मेरा एक उपन्यास आ, और जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चित भी रहा है। कविताएं आज मैं आपको हिंदी में सुनाऊंगी। मेरे जो हिंदी का काव्य संग्रह आया था उसका किताब का नाम ही है मेरा मौन। तो सबसे पहले मैं आपको शीर्षक कविता से ही शुरू करूंगी, सुनिएगा। मेरा मौन, मेरा मौन सालता है तुम्हें, मेरा मौन सालता है तुम्हें गाहे बगाए, मेरा मौन सालता है तुम्हें गाहे बगाए, शिकायत है कि कुछ नहीं बोलती हो, शिकायत है कि कुछ नहीं बोलती हो, कैसी हो तुम? सोचा कभी, सोचा कभी क्यों हुई ऐसी चुप सी खामोश सी, सोचा कभी क्यों हुई ऐसी चुप सी खामोश सी, जिसका बोलना ही उसका श्वास था, जिसका बोलना ही उसका श्वास था, जीवन प्राण था, आनंद था, जिसका बोलना ही उसका श्वास था, जीवन प्राण था, आनंद था, सोचो कभी उसी से नाता क्यों छूटा, सोचो कभी उसी से नाता क्यों छूटा, या छुड़वा दिया? नहीं समझोगे, नहीं समझोगे क्या कह रही हूं, या शायद समझना ही नहीं चाहोगे, नहीं समझोगे क्या कह रही हूं, या शायद समझना ही नहीं चाहोगे, इसके लिए उतरना पड़ेगा मेरे मौन के भीतर, इसके लिए उतरना पड़ेगा मेरे मौन के भीतर गहरे तक, जो जम गया है शिराओं में, अंतस में, मन प्राण में, इसके लिए उतरना पड़ेगा मेरे मौन के भीतर गहरे तक, जो जम गया है शिराओं में, अंतस में, मन प्राण में, किसी भी हलचल से घबरा जाता है मेरा मौन, किसी भी हलचल से घबरा जाता है मेरा मौन, दुबका रहना चाहता है वह इसी आवरण में छुपकर छिपकर, दुबका रहना चाहता है वह सदैव ही इसी आवरण में छुपकर छिपकर, मौन के कारण करेंगे तुम्हारे पुरुषत्व पर गहरे घाव, मौन के कारण करेंगे तुम्हारे पुरुषत्व पर गहरे घाव, और नकारेंगे उसके कारणों को, मौन के कारण करेंगे तुम्हारे पुरुषत्व पर गहरे घाव, और नकारेंगे उसके कारणों को, सहन नहीं होंगे तुमसे किसी भी हाल, सहन नहीं होंगे तुमसे किसी भी हाल, नियति समझ स्वीकार चुका है मेरा मौन, नियति समझ स्वीकार चुका है मेरा मौन, अपने भीतर उतरे मौन को, अपने भीतर उतरे मौन को। धन्यवाद। वाह, बहुत भीतर उतरे मौन को कौन स्वीकार, सही बात।
और निवेदन करूंगा नृपमा चतुर्वेदी से वो संक्षिप्त परिचय दें और एक रचना प्रस्तुत करें। अभी जो कोरोना का विषम काल है, लोग अपने घरों में कैद हैं और घरों में कैद होते हुए भी, घर में बच्चों के साथ होते हुए भी वो अपने आप को तनहा महसूस करते हैं। इसमें मेरा शेर है कि मेरी तन्हाइयाँ भी अक्सर अकेली नहीं होती, मेरी तन्हाइयाँ भी अक्सर अकेली नहीं होती, तुम्हारी याद के साए भी उनके साथ होती। वक्त बेवक्त वो मुझको सजा देता है, वक्त बेवक्त वो मुझको सजा देता है, मुझ में होने का एहसास जगा देता है। से एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, ब्रह्मनाथ। ब्रह्मनाथ प्रस्तुत है जिसमें ईश्वर खुद कह रहा है कि मुझे किसी बंधन में ना बांधो। प्रस्तुत है, मूरत में ना बांध मुझे, मैं हूं व्यापक मैं निराकार। मूरत में ना बांध मुझे, मैं हूं व्यापक मैं निराकार, कण कण में मैं हूं बसा हुआ, मैं हूं अगणित मैं हूं अपार। मैं वायु रूप मैं शक्तिपुंज, मैं वायु रूप मैं शक्तिपुंज, मैं सुरभि रूप मैं पुष्पकुंज, भवरे की कुंजन बसा हुआ, मैं पाखी कर्रव और निकुंज। मैं सावन बनकर बरसूंगा, आप लो एक बार, कणकण में मैं हूं बसा हुआ, मैं हूं अग्नि मैं हूं अपार। नित खोज रहा है जिसको मन, नित खोज रहा है जिसको मन, है आकुल तन और व्याकुल मन, धन धान्य भरे हैं कोठों में पर मन भूखा जैसे निर्धन। नित खोज रहा है जिसको मन, है आकुल तन और व्याकुल मन, धन धान्य भरे हैं कोठों में पर मन भूखा जैसे निर्धन। सदियों से जिसको खोज रहे ऋषिमुनि और तापस बार बार, कण कण में मैं हूँ बसा हुआ, मैं हूँ व्यापक मैं निराकार। मैं हूँ अनादि मैं हूँ अनंत, मैं हूँ अनादि मैं हूँ अनंत, मैं काल परिधि से हूँ स्वच्छंद। मैं हूँ अनादि मैं हूँ अनंत, मैं काल परिधि से हूँ स्वच्छंद। यदि देख सको तो देखो मुझे, वो ध्यान मग्न और नेत्र बंद। अनुभूति तुम्हें मिल जाएगी, अनुभूति तुम्हें मिल जाएगी, वो ध्यान भाव यद निर्विकार, कण कण में मैं हूँ बसा हुआ, मैं हूँ अगणित मैं हूँ अपार। मूरत में ना बांध मुझे, मैं हूँ व्यापक मैं निराकार। और मैं अगली रचना के लिए फिर निवेदन करूँगा संतोष जी से, अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी धन्यवाद सर। छंदमुक्त कविताएं लिखती हूँ और आज के इस कोरोना के संक्रमण काल में जहाँ हम सब अपने अपने घरों में बंद बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि घर की जो दूरी है स्त्री, वो आज और ज़्यादा मजबूत होकर निकली है। और क्योंकि मैं खुद स्त्री हूँ, स्त्री विषय पर लिखना बहुत पसंद करती हूँ, तो मेरी एक रचना है स्त्री पर। और क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि शहरी स्त्री और गांव की स्त्री में अगर हम देखें तो फर्क नहीं कह सकती, लेकिन उसकी मजबूती और शहरी स्त्री की मजबूती में हम क्या फर्क थोड़ा सा आपको बता सकती हूँ। तो सुनिएगा मेरी अगली रचना जिसका शीर्षक है मेरी स्त्री। मेरी स्त्री, मेरी स्त्री तुमसे अलहदा है, मेरी स्त्री तुमसे अलहदा है, तुम्हारी नजरों में शायद अनपढ़ गंवार है। मेरी स्त्री तुमसे अलहदा है, तुम्हारी नजरों में शायद अनपढ़ गंवार है, गांव की है बोलकर मुंह बिचका देती हो तुम, गांव की है बोलकर मुंह बिचका देती हो तुम, तुम्हें समझ आती है सिल्क और कॉटन कलफ से भरी भरी प्रिंट वाली बनारसी या वर्ली डिजाइन में सजी सजी स्त्रियां, तुम्हें समझ आती है सिल्क और कॉटन कलफ से भरी भरी प्रिंट वाली
बनारसी या वर्ली डिजाइन में सजी सजी स्त्रियां जो अन्याय और अत्याचार के विरोध में धरनों, सम्मेलनों या सेमिनारों में गला फाड़ फाड़ के टीवी और सोशल मीडिया पर बहस करती है, जो अन्याय और अत्याचार के विरोध में धरनों, सम्मेलनों या सेमिनारों में गला फाड़ फाड़ के टीवी और सोशल मीडिया पर बहस करती है और इसी जरा तेज करना ये हिदायतें देती है और इसी जरा तेज करना ये हिदायतें देती है पर मेरी स्त्री चोटी से एड़ी तक पसीने से भरी पर मेरी स्त्री चोटी से एड़ी से भरी घर बाड़े का काम लहंगे की लावण में फंसे भरूट निकालती निकालती सूरज के उगने के साथ साथ पहुंच जाती है नरेगा में कमठे पर या कैर तोड़ने पर मेरी स्त्री भरूट निकालती निकालती सूरज के उगने के साथ साथ पहुंच जाती है खेत में नरेगा में कमठे पर या कैर तोड़ने नहीं फुर्सत उसे पल की क्षण की ये भी नहीं सोचने की कि रही है वो ये भी नहीं सोचने की कि क्या कर रही है वो बस एक तार से बंधी जू अपने घर बच्चे बाड़े दाव दाव यानी पशु जानवर दाव और खेतों की फसलों में अपना कल देखती है और खेतों की फसलों में अपना कल देखती है मूंग की फलियों का पीलापन उसे चिंता में डालता है खुद के नाखूनों की पिलास उसे नहीं दिखती पशुओं के लगे चींचड़ों को अपने हाथों से हटाती है खुद को मच्छर कभी नहीं खाते पाणत से गली पति की हाथों पैरों की उंगलियों को देखकर पाणत यानी जो पानी फसलों को दिया जाता है उसको कहते हैं पाणत से गली पति की हाथों पैरों की उंगलियों को देख उसकी आंखें पनीली होती है खुद की बेवैया पड़ी एड़ियां नहीं महसूसती बच्चों को चूरमा खिला खुद चटनी रोटी में संतुष्ट है उसके लिए महत्वपूर्ण है बच्चों का बस्ता दावों का चारा पति की चिलम इस सब के बीच उसके लिए महत्वपूर्ण है बच्चों का बस्ता दावों का चारा पति की चिलम इस सब के बीच खुद की महावारी की चिंता या पेड़ों का दर्द वह भुला देती है समय नहीं है उसे बहस कर अपने अधिकारों का ढिंढोरा पीटे अपने कंधे पर रखी कस्सी के बल पर वह उसे मिले हुए हैं वह सिर्फ एक स्त्री नहीं पूरी स्त्री है मेरी स्त्री तुमसे अलहदा है। धन्यवाद। क्या बात है संतोष जी, मतलब आपकी रचना में पूरे ग्रामीण शब्दों का इतना अच्छा इस्तेमाल हुआ है, अच्छा इतना उपयोग हुआ है कि पूरा मतलब पता चल गया कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में कितना फर्क है और नारी का अंतर आपने इतने सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है, बहुत बढ़िया। अब मैं निरुपमा जी से निवेदन करूँगा वो अपना संक्षिप्त परिचय दें और अपनी रचना पाठ करें। निरुपमा जी निरुपमा जी सुन पा रही हैं? निरुपमा जी मैं अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत करता हूँ जब तक निरुपमा जी जुड़ रही हैं। एक गजल है कुछ ख्वाब अधूरे से आंखों में जो पलते हैं आंखों में पलते हैं
कुछ ख्वाब अधूरे से आंखों में पलते हैं, कब तेज अगन में तप तावीर में ढलते हैं, इन्हें प्यार से सहलाओ ये फूल से नाजुक हैं, इन्हें प्यार से सहलाओ ये फूल से नाजुक हैं, गैरों को नहीं फुर्सत अपने ही मसलते हैं, कुछ ख्वाब अधूरे से आँखों में जो पलते हैं, औलादी यादों से पैकर जो इन्हें कर लो, औलादी यादों से पैकर जो इन्हें कर लो, कुछ लोग चुरा लेंगे गलियों में जो फिरते हैं, कुछ ख्वाब अधूरे से आंखों में जो पलते हैं, अगर से उधर चैन से बैठोगे ये हाथ पकड़े लेंगे, अगर चैन से बैठोगे ये हाथ पकड़े लेंगे, और साथ में चलने के पुरजोर मचलते हैं, कुछ ख्वाब अधूरे से आंखों में जो पल टूटे हुए ख्वाबों में कुछ ऐसी तड़प होगी, टूटे हुए ख्वाबों में कुछ ऐसी तड़प होगी, छोकर जो इन्हें देखो बच्चों सा बिलखते हैं, कुछ ख्वाब अधूरे से आँखों में जो पलते हैं, कब तेज अगन में तप ताबीर में ढलते हैं। अभी संतोष जी एक बार फिर अपने आपके सामने आ रहे हैं और अपनी एक रचना प्रस्तुत करेंगे। संतोष जी आपका फिर स्वागत है एक बार। जी सर, धन्यवाद। एक प्रेम कविता सुनाऊंगी, विरह की प्रेम कविता कह सकते हैं इसको, जिसका शीर्षक है याद। आज बहुत याद आए, आज बहुत याद आए हो, क्यों आए हो पता नहीं, आज बहुत याद आए हो, क्यों आए हो पता नहीं पर आए हो, आज बहुत याद आए हो, क्यों आए हो पता नहीं पर आए हो, बरसों बरस बीत गए याद है आज भी वो सादी मुस्कान, बरसों बरस बीत गए याद है आज भी वो सादी मुस्कान, सादा लिबास सादा खाना पर आंखों में चंचल हरकत, पर आंखों में चंचल हरकत, मुझे देखना पर कुछ न कहना, मुझे देखना पर कुछ न कहना, और कुछ न कह कर भी सब कुछ कह जाना, और कुछ ना कह कर भी सब कुछ कह जाना, वो खामोश जुबान, वो अनकही सादी मुस्कान जिसे मैं समझ जाती, वो खामोश जुबान, वो अनकही सादी मुस्कान जिसे मैं समझ जाती पर पूछ न सकी, पर पूछ न सकी, पूछने की तो कहाँ जरूरत थी, पूछने की तो कहाँ जरूरत थी, पर काश पूछ लेती, पर काश पूछ लेते, आज ना टटोलती तुम्हें पुरानी डायरियों में, आज ना टटोलती तुम्हें पुरानी डायरियों में, हाँ आज हाथ लगी मेरी कुछ पुरानी डायरियां, हाँ
आज हाथ लगी मेरी कुछ पुरानी डायरियां, तभी तुम याद आए, चले गए तुम न जाने कहाँ किस जहां में, चले गए तुम न जाने कहाँ किस जहां में, जहां मैं न आ सकी ना ही तुमसे पूछ सकी तुम्हारी अनकही सादी मुस्कान की बात, चले गए तुम न जाने कहाँ किस जहां में, जहां मैं न आ सकी ना ही तुमसे पूछ सकी तुम्हारी अनकही सादी मुस्कान की बात, और अब पूछ भी ना पाऊंगी, और अब पूछ भी ना पाऊंगी क्योंकि तुम वहां चले गए जहां मैं न जाने कब आऊंगी, और अब पूछ भी ना पाऊंगी क्योंकि तुम वहां चले गए जहां मैं न जाने कब आऊंगी, पर जब भी आऊंगी याद रखना, पर जब भी आऊंगी याद रखना, इस बार जरूर पूछूंगी, इस बार जरूर पूछूंगी क्योंकि आज बहुत याद आए हो, क्यों आए हो पता नहीं पर आए हो, याद आए हो क्यों आए हो पता नहीं पर आए हो। धन्यवाद। क्या बात, बहुत खुश है। ये यादें ही हैं जो बाज आते हैं, और यादों में ही घर वाले अपने वाले अपने पिए सब मिलते हैं, और यादों को आपने फिर से संजोया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गजल एक बार फिर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी, और ये नए दौर की, नए दौर से सबक लेने वाली बातें हैं जो हर पीढ़ी को अब समझनी है कि हमें नए दौर में कैसे जीना है। तो गजल है, फिर नई बात कोई की जाए, फिर नई बात कोई की जाए, धड़कनों को जुबान दी जाए, फिर नई बात कोई की जाए, धड़कनों को जुबान दी जाए, खत्म हो दौर अब ये बंदिश का, खत्म हो दौर अब ये बंदिश का, हौसलों को उड़ान दी जाए, फिर नई बात कोई की जाए, घर में रहकर ही काम हो जाए, घर में रहकर ही काम हो जाए, ये कला भी सीख ली जाए, फिर नई बात कोई की जाए, ना रहे दूसरों पर निर्भर हम, ना रहे दूसरों पर निर्भर हम, ऐसी तालीम सबको दी जाए, ये वक्त की नज़ाकत है कि ना रहे दूसरों पर निर्भर हम, ऐसी तालीम सबको दी जाए, हौसला रख लड़ाई लंबी है, हौसला रख लड़ाई लंबी है, दुश्मनों को शिकस्त दी जाए, फिर नई बात कोई की जाए, दौर ये मुश्किल और इंतहा में फलक, फलक मेरा तखल्लुस है, कि दौर ये मुश्किल और इंतहा में फलक, जीत जाएंगे कसम ली जाए, जीत जाएंगे कसम ली जाए, फिर नई कोई बात की जाए, अब ये धड़कनों को जुबान दी जाए। और अब मैं निरुपमा जी से निवेदन करूँगा कि वो अपनी रचना पढ़े, अपना परिचय दे और रचना पढ़े। नमस्कार, मैं निरुपमा चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश के इटावा से बिलोंग करती हूँ और जयपुर में निवास करती हूँ, पिछले 6 या 7 साल से मैं लगातार राइटिंग वर्क कर रही हूँ, गजल और गीत की कविता लिखती हूँ, लिख सकती हूँ कभी 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 लिखती हूँ। हाउसवाइफ हूँ, काव्य पाठ की शुरुआत एक गणित वंदना से करना चाहती हूँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? गणित वंदना से स्टार्टिंग गणित चेतना गणेश चेतना गणेश बुद्धि में सहोदता का समावेश आज हो अनंत हो दयालु एक संत हो, आज हो अनंत हो दयालु एक संत हो, धर्म की गजानी महंत हो महंत हो,
आपने गणेश चतुर्थी के बाद मैं कहना चाहूंगी कि आजकल पूरे भारत हमारे पूरे विश्व में आतंक मचाए हैं, वायरस पर तो नहीं लेकिन उसके बाद भी स्थितियाँ हमारे देश में पूरे विश्व में फैल रही है। एक लॉकडाउन में रह रहे हैं, वातावरण तैयार किया जाए, कैसे लोग अपन से कर सकें और किस तरह की भावनाएं उन्हें अपने अंदर रखनी चाहिए, कैसे चलनी चाहिए, उसको मैंने गीत सीखा। मैं गीत में प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने। बिल्कुल नया गीत है, तो समझिएगा।
कृष्ण थे उसको जगाए स्वयं की मन लगाए कृष्ण का पाए गुन बहुत बढ़िया। हेलो, निपमा जी के इतने सुंदर गीत के और इतने सुंदर गीत, इतनी सुरीली आवाज में गीत सुना, बहुत सुंदर गीत, और कोरोना काल में इतना सुंदर गीत की रचना बधाई के पात्र हैं। अगला गीत, वो अगली कविता गजल जो रचना प्रस्तुत करें उसका स्वागत है। अगली रचना सुनाए निरुपमा जी। ये वृद्धों के लिए लिखी थी, तो वो भी मेरी गजल लोगों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि तो मैं वही पेश करती हूँ उसमें। तो हमारे जो देश की युवा पीढ़ी है, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ बहुत सी के साथ रहा हूँ मैं, एक प्रति की पीड़ा है इस तरह से देखिएगा, जैसे वो स्वयं को ना वही के साथ रहा हूँ मैं, सूरत को खल रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ मैं, फिर भी खल रहा हूँ मैं, कोई खबरता नहीं रही बाकी, कोई जरूरत नहीं रही बाकी, चलने को चल रहा हूँ मैं, चलने चल रहा हूँ मैं, मेरी किस्मत आजमा हो मेरी किस्मत, घर में ही पल रहा हूँ मैं, उसके घर में ही पल रहा हूँ मैं, रोशन दिया हुआ से, रोशन दिया हुआ से, अंधेरा ठहर रहा हूँ, अंधेरा ठहर रहा हूँ, हंसी मिटाए अपनी हंसी मिटाए मुझे, रहा हूँ मैं, अगला स्वागत। छिपा है,
कठिन दहलीज पर टिका है सर, आंगन का कल रहा हूँ, आंगन का कल रहा हूँ, उजालों की ये क्या चोर उजालों की आंखों मल रहा हूँ, अपनी आंखों मल रहा हूँ, साथ डल रहा हूँ मैं, तेरे दिल को खल रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वक्त के साथ ढल रहा हूँ मैं, बुजुर्गों की ये व्यथा व्यथ कथा जो आपने कही, और सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्ग घर के श्याम के दिए भी हैं और आंग में बरगद का पेड़ भी, जिनके तले नई पीढ़ी रोशनी भी पाती है और पनाह भी पाती है, मार्गदर्शन भी पाती है। आज की इस काव्य गोष्ठी में, इस बैठक का, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर कविताएं आपने पढ़ी, गजलें पढ़ी, और उम्मीद है कि ये जो बैठक है आगे चलती रहेगी। दिल से शुरू हुआ है तो वो दिल से ही कारवां चलता रहेगा। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। City Live, a platform to sharing your thoughts.